ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 11 श्लोक संख्या 34। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योध वीरान मया हतन हतांस्तवम जहिमा व्यतिष्ठता युद्धस्व जेतासी रणे सपत्नान। द्रोण भीष्म जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह वैरियों को जीतोगे। तुम्हारी दृष्टि में गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्ष के नामी शूरवीर हैं जिन पर विजय पाना बड़ा कठिन काम है। भीष्म द्रोण और कर्ण अपनी शूरवीरता के कारण संसार में प्रसिद्ध थे, अतः इनको जीतने में कठिनता थी। जयद्रथ तो ऐसा कोई नामी शूरवीर था नहीं, पर उसको एक वरदान था कि तुम्हारा सिर कोई पृथ्वी पर गिरा देगा तो उस सिर गिराने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस वरदान के कारण जयद्रथ को मारने में कठिनता थी, तो ये काम कठिन था। उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात वे सब काल रूप मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मार दो। भगवान के द्वारा पूर्व श्लोक में मयैव वैते निहिताः पूर्वमेव और यहाँ मया हतांस्तवम जहि कहने का तात्पर्य यह है कि तुम इन पर विजय करो, पर विजय का अभिमान मत करो, क्योंकि ये सब के सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। माँ व्यथिष्ठता युद्धस्व, अर्जुन पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को मारने में पाप समझते थे, यही अर्जुन के मन की व्यथा थी। अतः भगवान कह रहे हैं कि वह व्यथा भी तुम मत करो, अर्थात भीष्म और द्रोण आदि को मारने से हिंसा आदि दोषों का विचार करने की तुम्हें किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तुम अपने शास्त्र धर्म का अनुष्ठान करो, अर्थात युद्ध करो, इसका त्याग मत करो। जेतासी रणे सपन्नान, इस युद्ध में तुम वैरियों को जीतोगे। ऐसे कहने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन ने कहा था कि हम उनको जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, इसका हमें पता नहीं। इस प्रकार अर्जुन के मन में संदेह था। यहाँ 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप देखने की आज्ञा दी, तो उसमें भगवान ने कहा कि तुम और भी कुछ देखना चाहो वह देख लो, अर्थात जिसकी किसकी जय होगी और किसकी पराजय होगी यह भी तुम देख लो। फिर भगवान ने विराट रूप के अंतर्गत भीष्म द्रोण और कर्ण के नाश की बात दिखा दी और इस श्लोक में वह बात स्पष्ट रूप से कह दी कि युद्ध में निस्संदेह तुम्हारी विजय होगी। विशेष बात, साधक को अपने साधन में बाधक रूप से नाशवान पदार्थों का व्यक्तियों का जो आकर्षण दिखता है उससे वह घबरा जाता है कि मेरा उद्योग कुछ भी काम नहीं कर रहा है, अतः यह आकर्षण कैसे मिटे। भगवान मयैव वैते निहिताः पूर्वमेव और मया हतांस्तवम जहि पदों से ढांढस बनाते हुए मानो यह आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे को अपने साधन में जो वस्तुओं आदि का आकर्षण दिखाई देता है और वृत्तियां खराब होती हुई दिखती हैं, यह सबके सब विघ्न नाशवान हैं और मेरे द्वारा नष्ट किए हुए हैं, इसलिए साधक इनको महत्व न दे। दुर्गुण दुराचार दूर नहीं हो रहे हैं, क्या करूँ, ऐसी चिंता होने में जो साधक का अभिमान ही कारण, और ये दूर हो जाने चाहिए और जल्दी होने चाहिए। इसमें भगवान के विश्वास की भरोसे की आश्रय की कमी है। दुर्गुण दुराचार अच्छे नहीं लगते, सुहाते नहीं, इसमें दोष नहीं है, दोष है चिंता करने में। इसलिए साधक को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार, इस कथन से यह शंका होती है कि कालरूप भगवान के द्वारा सबके सब मारे हुए हैं, तो संसार में कोई किसी को मारता है तो वह भगवान के द्वारा मारे हुए को ही मारता है, अतः मारने वाले को पाप नहीं लगना चाहिए। इसका समाधान यह है कि किसी को मारने का या दुख देने का अधिकार मनुष्य को ही नहीं है, इसका तो सबकी सेवा अधिकार सेवा करने का, सबको सुख पहुंचाने का ही अधिकार है। अगर मारने का अधिकार मनुष्य को होता तो विधि निषेध अर्थात शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म मत करो, ऐसा कहना ही व्यर्थ हो जाएगा। वह विधि निषेध किस पर लागू होगा,
अतः मनुष्य किसी को मारता है या दुख देता है तो उसको पाप लगेगा ही, क्योंकि यह उसकी राग द्वेष पूर्वक अनधिकार चेष्टा है। परंतु क्षत्रिय के लिए शास्त्र विहित युद्ध प्राप्त हो जाए तो स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगता, क्योंकि यह क्षत्रिय का स्वधर्म है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।